नमस्कार मित्रों, मैं हूं अम्बरीश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अम्बरीश एजुकेटर। मेरे पास पढ़ाने का 27 वर्षों का अनुभव है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा। 27 वर्ष तक कंटिन्यूस पढ़ाया है, तो अपने अनुभव के आधार पर मैं बताना चाहता हूं कुछ बातें जो पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए और बच्चों के लिए बहुत लाभदायक हैं। हम अपने बच्चों को विद्यालय किस लिए भेजते हैं? पढ़ने के लिए, यही उसका उत्तर है। वहाँ विज्ञान, भूगोल, इतिहास, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या सीखते हैं? वह है संस्कार। तो संस्कार घर से शुरू हो जाता है। कुछ घर पर संस्कार बच्चे प्राप्त करते हैं और कुछ विद्यालय में प्राप्त करते हैं। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए हम उनको विद्यालय में भेजते हैं। परंतु आज की जो शिक्षा की व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम है, और जो विद्यालय हैं, क्या वो सारी चीज़ें हमारे बच्चों को दे पा रही हैं जो उनको चाहिए, या हम ये जानते हैं कि हमारे बच्चों को चाहिए क्या? ये दोनों बातें हैं। मुझे कहीं ऐसा लगता है अपने अनुभव के आधार पर कि पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि उनके बच्चों को क्या चाहिए। और ये भी मुझे लगता है कि जो चाहिए वो विद्यार्थियों को मिलता नहीं है, और इसके बाद उनको लॉस होता है। क्या लॉस होता है? तो इन सब बातों पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जानेंगे इसके बारे में। हमारा बच्चा, हम एक छोटे बच्चे की अगर बात करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं कि 4-5 साल का बच्चा हमें उसको विद्यालय भेजना होता है। तो आज हम, नियम तो ये है कि 1 किलोमीटर के अंदर हमारा बच्चा पढ़ने जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम सो कॉल्ड तथा कथित अच्छे स्कूल की लालच में अपने बच्चों को 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, यहाँ तक कि मैंने देखा 40 किलोमीटर तक दूर भेज देते हैं कि वहाँ अच्छा विद्यालय मिलेगा, अच्छी एजुकेशन मिलेगी। बच्चा हमारा 5 बजे उठता है, आँख धोकर उसका हम उठाते हैं, उसको 1 घंटे में किसी तरह से फटाफट उसको तैयार करते हैं, क्योंकि 6 बजे उसने बस पकड़नी होती है। प्लास्टिक की बोतल में पानी देते हैं, प्लास्टिक के टिफ़िन में उसको हम खाना उसको रख देते हैं। घर का खाना सुबह खाता नहीं है, थोड़ा बहुत दूध पिलाकर फटाफट उसको हम भेज देते हैं, ढंग से खाना नहीं खा पाता। बस में बैठ जाता है, चूँकि बस वाले ने बहुत सारे बच्चे इकट्ठे करने होते हैं, तो वो लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा स्कूल पहुँचने में लगा देता है। हर जगह से बच्चे इकट्ठे करता है। स्कूल 8 बजे पहुँचता है, वहाँ पहुँचते ही वो कमरे में एक बंद हो जाता है, जिस कमरे में मुश्किल से सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था होती है। दिन भर बिजली वहाँ लाइट चलती है, उसी के प्रकाश में वो पढ़ता है। कहीं कहीं तो बहुत कम खिड़कियाँ होती हैं कि बाहर से प्रकाश आ सके। वहाँ उस कमरे में उसको सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है। उसके बाद एक उस सिस्टम के अंदर 5 घंटा 6 घंटा 4 घंटा जैसा है वहाँ वो पढ़ता है, और उसके बाद वहाँ से ज्यों ही निकलता है तुरंत वो बस में बैठता है, फिर वही 2 घंटे का सफ़र और वो अपने घर आ जाता है। अपने घर आने के बाद वहाँ थका होता है, क्या करेगा, कुछ खाएगा, सो जाएगा, और माँ बाप फिर तथाकथित होमवर्क के पीछे पड़ जाते हैं। वह या तो ट्यूशन जाता है या फिर घर पर पढ़ ही पढ़ता है, और 2 घंटा फिर वो पढ़ाई में लगाता है। ऐसा करते करते 7 बज जाता है, कई बार 8 बज जाता है, अंधेरा हो गया, और फिर वो बच्चा कुछ खाया और सो गया। मुझे ज़रा बताइए कि इसके बीच में उसको प्राकृतिक सूर्य की रोशनी कहाँ मिली? कहीं नहीं मिली। जब सूर्य की रोशनी उसे मिली ही नहीं, तो उसको जो प्राकृतिक विटामिन डी मिलनी थी, जिससे उसकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिससे डेवलप होती है, वो कहाँ हो पाएगी? और यह स्थिति उसकी 4-5 साल के आयु से लेकर के तब तक बनी रहती है जब तक वह विद्यालय जाता है। विद्यालयों में, मेरा अपना अनुभव है, बच्चों को पूरे 1 हफ्ते में 6 दिनों में 1 या 2 पीरियड मिलते हैं खेलने के लिए। तरसते हैं बच्चे स्पोर्ट्स पीरियड के नाम पर,
जो ही स्पोर्ट्स पीरियड उनका होता है वो उछल पड़ते हैं खुशी के मारे कि उन्हें खेलने के लिए दिया जाएगा। लेकिन होता वो क्या है, हफ्ते में केवल एक पीरियड या दो पीरियड। अब उनकी जो मजबूती शरीर की होनी चाहिए थी, जो उनकी हड्डियां मजबूत होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो इससे हुआ क्या, लॉस क्या हुआ कि उनकी सबसे पहले हमने छीन लिया रोग प्रतिरोधक क्षमता, उनका जो डेवलप होनी थी बचपन में वो हमने पहले ही समाप्त कर दिया। नतीजा क्या हुआ, इसके कारण विटामिन डी ना मिलने के कारण, हड्डियों के मजबूत न होने के कारण अनेकों प्रकार की बीमारी के वो शिकार पूरा जीवन होते रहते हैं, और उसके बाद हॉस्पिटल के चक्कर, दवाइयाँ इत्यादि इत्यादि। तो प्रश्न ये है, हमें ये सोचना है कि हम अपने जीवन का लगभग 1/3 या आधा पैसा अपने बच्चों की शिक्षा पर हम खर्च करते हैं, और बदले में हमें इस व्यवस्था से मिल क्या रहा है, और हमें मिलना क्या चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि हमें मिलना क्या चाहिए और हमें मिल क्या रहा है। तो अब से हम यह ध्यान रखेंगे कि हमें अपने बच्चों को यह सूर्य की जो रोशनी है वो पूरी तरह से मिले, उन्हें खेलने को मिले, ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बने। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी और आप इस पर ध्यान भी देंगे, जिससे हमारे बच्चों का लाभ हो और भविष्य में हमारे स्ट्रांग बच्चे जो हैं, तगड़े बच्चे हमारे पास हों, जिनके पास जो रोगों से बचें। और आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।